पुरुष ठीक ढंग नाल जीवे है, सही बिल्कुल नियम पूर्वक जीवे है, बिरध होंदे आउंदियां स्त्री जैसा हो जाएगा, हलेमी आ जाएगी, आवाज विच बारीकी आ जाएगी, सहन शक्ति आ जाएगी, अगर सही ढंग नाल जीवे है। एक स्त्री अगर सही ढंग नाल जीवदी रही है, बिरध होंदे आउंदियां पुरुष जैसी हो जाएगी, पकड़ जगड़ घर दी बढ़ जाएगी, जिम्मेवारियां ज्यादा सहेड़ेगी, हंकार भी बढ़ जाएगा, बर्दाश्त का मादा भी कट जाएगा। ये भी मैं विपरीत दी कोशिश, जैसे पुरुष दे अंदर अमूमन बर्दाश्त का मादा घट आंदा, हंकार बड़ा प्रबल आंदा, सहन शक्ति नहीं आती, स्त्री दे अंदर होंदी है। बिरध होंदे आउंदे अगर सही ढंग नाल जीवया, पुरुष स्त्री जैसा हो जाएगा, स्त्री पुरुष जैसी हो जाएगी। अगर इस तरह हो गई है तो अगला जन्म पुरुष दा नारी दा हो सकता है, नारी दा पुरुष दा हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक पुरुष नारी होवे ते नारी पुरुष होवे, विपरीत दी कोशिश है। ऐसे घर हम बहुत बसाए, इस तरह दे घर ते मैं कई बसाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अदब, मासूम कन्या छोटी जी कन्या प्यो बड़ा प्यारा लगता है, प्यो की परिक्रमा करती है, प्यो दे पैरां नाल लटकती है, प्यो नूं देख के बड़ी प्रसन्न हो जाती, विपरीत दी कशिश, मां जैसी तो है ही है, मां जैसा तन तो उसके कोल है, विपरीत दी कशिश, विपरीत दी कशिश। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, ऐसे घर हम बहुत बसाए, इस तरह के घर पे मैं कई बसाए ने। सूफी संत शमस तवरेज भी कहते हैं, बाज आमदम ता यार रा मेहमान कुनम, ऐ खुदा मैं बार बार इस दुनिया ते आया, कईयां नू साथी बनाया, कईयां दे नाल चलिया, हर जन्म दे च मां बाप मिले, भरा मिले, पति मिले, पत्नी मिली, तो नहीं मिले, तेरी उमंग रह जांदी रे, अदकी तो बख्शिश कर, तू भी मिल, मां बाप ते मिलते रहन, भरा ते मिलते रहन, भैणा ते मिलदियां रहियां, ते मिलदी रही है, पति ते मिलदा रहा, ये सब ते मिलते रहन, ऐ मेरे खुदा तू नहीं मिले, तू नहीं मिले। बाज आमदम ता यार राह मैं मां को ना, इस्लाम बार बार दे जन्म नू नहीं मनदा। मुल्तान दे नवाब ने इस फकीर दी पुठी खल्ला के तड़पा के मारिया, शमस तबरेज तू बार बार दे जन्म नू मनदा, ये बार बार दे जन्म नू मनदा सी, सिर्फ जन्म नू नहीं मनदा सी, बल्कि नौ मामां दा इसने नाम भी लिखया है। मेरी सुरत जद पिछे जांदी है तो मैनू नौ मावां दिखाई देंदियां, उन्हां दा नाम भी लिखदा दसदा, मां ही क्यों दिखाई देंदी है, पुरुष दे संस्कारां विच या स्त्री दे संस्कारां विच मां दी छाप ज्यादा हुंदी है, बोल रहन सहन ज्यादा, क्योंकि मां कोल आउंदा है, मां दी पालन पोषणा हुंदी है, भाषा बोल संस्कार मां तो लैंदा है मनुख, 90% मनुख के अंदर मां प्रगट होंदी है। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये नौ मावां दे नाम ही दसदा, तन दी मौत मन दी मौत नहीं है, तन दे च प्राण चलदे ने, मन दे च वासना चलदी है, ते वासना दे च की चलदा, वासना किस नूं कहिंदे ने, वासना किस दी आउंदी है, जो नहीं है वासना उस दी आउंदी है, जो है उदी वासना नहीं आउंदी। मैं अर्ज करा, इस तरह का ही मेरा इस वक्त मन बने, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने पंक्ति मैनू दे दी, पवन गुरु, जिसका मैं खुलासा कर रहा हूं। वासना उस चीज दी आउंदी है जो नहीं है, जो नहीं है, जो है वासना उसनू देखती नहीं, वासना सदा उसनू देखती है, जो नहीं है उसनू मंगती है, तो जो मिल जाए फिर वासना होर अगे चली जाती है, जो हुण भी नहीं है उन्हों देखन लगते हैं, वो भी हो जाए
फिर वासना अगे चली जाती है जो हुण भी नहीं है, वासना सदा उसनू देखती है जो नहीं है, वासना सदा उसनू मंगती है जो नहीं है, वासना उसनू देखती नहीं जो है, जो कोल है उसनू संतोख वेखदा है, वासना नहीं देख सकती। फिर वासना दे केंद्र तीन मनते ने, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। मैं एक दफा फिर दोहरावां कि अस्थूल शरीर प्राणा करके चलता है, सूक्ष्म शरीर वासना करके चलता है, सूक्ष्म शरीर वासना करके चलता है। चलते हुए प्राण रुक जान इस शरीर का अंत हो जाता है, चलती हुई वासना रुक जाए सूक्ष्म शरीर का अंत हो जाता है, सूक्ष्म शरीर का अंत होके मिट्टी च मिट्टी आता है, सूक्ष्म शरीर अंत होके जोत दे च जोत आता है, तन मिट्टी दे च मिट्टी हो जाता है, मन जोत दे च जोत होता ही है। क्यों नहीं आता? वासना चलती पई है, वासना का अंत नहीं होया। जब वासना का अंत नहीं होया तो वासना ते सूक्ष्म शरीर दे प्राण ने, सूक्ष्म शरीर का अंत नहीं होया। भाई साहब भाई गुरदास जी, ध्यान नाल सुनना, मैं एक अध्यात्मिक विचार नूं तुहाडे सामने रखे। भाई साहब भाई गुरदास जी, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। गुरु नानक दे श्लोक का अनुवाद कर रहे ने, खुलासा कर रहे ने भाई गुरदास। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं कुंजी कह दिता गया, ये तालियां नूं खोल दिए। जिहड़ी गल सतगुरां ने रमज दे च कह दिती, रहस दे च कह दिती, उहनूं भाई गुरदास खोल दे। नानक मेर शरीर का एक रथ वा, सतजुग रथ संतोख का धर्म अगे रथ। इहदा लंबा चौड़ा खुलासा पौड़ी दे च कीता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने। जुग जुग मेर शरीर का, गालबन मेरे देखे कोई 150 शब्द ने जो भाई गुरदास ने खोले ने। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी की रसना तो निकलिया, इहदे बोल ते कुंजी ने, कुंजी। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। प्राणों का अंत होया, वासना का अंत नहीं होया। तन की मौत हो गई है, मन की मौत नहीं। तन दे अंदर चलते प्राण रुक गए ने, मन दे अंदर चलती हुई वासना नहीं रुके, नहीं। जितनी तिखी वासना होवेगी उतना ही चंचल ये सूक्ष्म शरीर होवेगा, उहदे ठहराव एकाग्रता नाम की गल होवेगी नहीं। जैसे शब्द गुरु कहिंदे हो ना, ये वेखण का विशा नहीं है, शब्द वेखण का विशा नहीं है, शब्द नेत्र दर्शन नहीं है, शब्द सरवण दर्शन है, सरवण दर्शन है। कौन सुनदा सब वेखण? किधर अखां इधर पई जांदियां, इधर पई जांदे उखड़े हुए लोग, दूजियां नूं भी उखेड़दे रहिंदे, कौन सुनदा? शब्द सरवण दर्शन है, नेत्र दर्शन नहीं है। जिन्होंने गुरु नानक नूं वेख्या उन्होंने भूतला बेताला किया, पत्थर मारे, बाबर ने जेल दे च भी पाया, बगदाद दे च खूह दे च भी सुट दिता, मक्के दे हाजी ने ते मक्के दे इमाम ने सतगुर दे चरणा नूं खिच के घसीटिया भी, गाल भी कड्ढी। केड़ी गाल कड्ढी? भाई गुरदास लिखदे ने, जीवन मारी लत दी, केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी। उन्होंने ते भूतना बेताला आख्या, पर जिन्होंने सुनिया वो गुरु नानक तो सदके गए, निछावर गए, कुर्बान गए। गुरु सुनन दा विषय, वेखण दा नहीं। जिन्होंने गुरु अंगद देव जी महाराज नूं वेख्या उन्होंने पिंड दे विचों भी कढ दिता सी। शायद इतिहास दे पड़चोलीए जाणदे ने, पिंड वासियां ने कहा जे साडे पिंड रहना है ते मीह पाओ, बारिश नहीं होई सी, नहीं ते साडा पिंड छोड़ जाओ। सतगुरु कहण लगे इंज है, तुहाडा पिंड छोड़ना साडे हथ च है, मीह पाणा करतार दे हथ, पिंड तुहाडा छोड़ जाणा।
उन्होंने पिंड तो भी कट दिता से। वेखण वाले सदके गए, इतिहास के सारे पन्ने मैं ना रखा, वेख ले ते गुरु अमरदास जी नाल भी सहमत नहीं है। बहुत वड्डा मेजर नामा मरवाहे ने अकबर के दरबार में पेश किया गुरु अमरदास जी के खिलाफ, गालबन 500 बंदियां दे दस्तखत करा के। उस विच तरह तरह के इल्जाम लाए धन गुरु अमरदास जी, जिन्होंने वेख्या उते सहमत नहीं होया, जिन्होंने सुनिया सुन के जो आनंद आया फिर उन्होंने भी कहना पिया, निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निमाणियां दे माण गुरु अमरदास, नेओटियां दी ओट गुरु अमरदास। वेखण वाले गुरु रामदास जी नाल सहमत नहीं होए, वेखण वालिया ने पंजवें गुरु नानक नूं तत्ती तवी ते बिठा दिया, वेखण वालिया ने छेवें पातशाह नूं ग्वालियर दे किले च बंद कर दिया, वेखण वालिया ने बड़े किंतु परंतु गुरु हर राय साहिब ते कीते, गुरु हर कृष्ण जी ते कीते। वेखण वालिया ने चांदनी चौंक दे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद कर दिया। वेखण वाले बाही धार दे राजे वकत दी हकूमत कतई गुरु गोबिंद सिंह नाल सहमत नहीं हो, वैर कमांदी रही। सुनने वाले पंज प्यारे नंद लाल 52 कवि पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह तो कुर्बान जाते हैं, सदके जाते हैं। वेखण वालिया ने सन 84 दे हजारा गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ा की बेहुरमती की, सुनन वाले एक एक पंक्ति तो कुर्बान जाते। गुरु सुनन का विषय है, वेखण का नहीं। जिन्हों गुरु नूं सुनन की जाच आ जाती है उन्हों ही प्रभु नूं वेखण की जाच आती है, दूजे नूं आउंदी ते भी महसूस करते। गुरु सुनन का विषय है, शब्द गुरु है, ये नेत्र दर्शन नहीं सरवन दर्शन। इस तन दे प्राण चलते ने, चलते प्राण तन की जिंदगी है। सूक्ष्म शरीर में वाशना चलती है, वाशना मन की जिंदगी है। वाशना सदा उसनों देखती है जो नहीं है, नहीं है ध्यान देना जो नहीं है। वाशना उसनों देखती ही नहीं जो है, जो है जो नहीं है वो भी हो जाए मिल जाए, वाशना फिर अगे चली जाती है जो हुण भी नहीं है, हुण भी नहीं। इस तरह यही वाशना तृष्णा बन जाती है, तृष्णा की पूर्ति नहीं। वाशना दे केंद्र तीन ने, अहंकार वाशना अगर तृष्णा बन गई है तो मनुख नूं हिंसक बना देगी, लोभ वाशना अगर तृष्णा बन गई है तो मनुख नूं बेईमान ठग चोर डकैत बना देगी, मनुख भ्रष्ट हो जाता है वाशना करके। तन दी मौत वाशना दी मौत नहीं, तन दी मौत हंकार दी मौत नहीं, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, तन दी मौत काम दी मौत नहीं है। प्राणा दा अंत वाशना दा अंत नहीं है, ये वाशना होर शरीर नूं ग्रहण करेगी फिर प्राणा दे आसरे ते जगत दे गति करेगी। प्रकृति दा नियम एक दिन प्राणा दी डोरी नूं तोड़ देंदा है। अनक जतन कर ए तन राखो रहे अवस्था पूर है। कितना भी यतन करो, कितने भी कुश्ते खा लो, कितने भी टॉनिक ले लो, रहे अवस्था पूर है। प्रकृति दा नियम एक दिन प्राणा दा अंत कर देगा, पर प्रकृति ने इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया कि वाशना का अंत हो गया, नहीं बनाया। अगर प्रकृति का ही नियम कोई साढ़े वाशना का अंत कर दें, इतने इतने वड्डे इकट्ठ कथा कीर्तन सुनने की लोड़ नहीं सी, अमृत वेले उठन की लोड़ नहीं, जप तप करने की लोड़ नहीं। एक दिन तन की मौत होगी तो मन की भी हो जाएगी, एक दिन प्राणा का अंत होगा तो वाशना का भी अंत हो जाएगा, नहीं। वाशना का अंत होना मनुख नूं भगवंत बना देंदा है। महाराज गुरु अमरदास जी, मन मरे धात मर जाए
बिन मन मुए कैसे हर पाए। मैं बुनियादी नुक्ते थोड़े सामने रख रहे हैं। चलो कुछ एक सज्जन भी लाभ उड़ा देंगे, एक दीवा भी किधरे जल जाए बहुतियां नूं रोशनी देन लग। असी ताही अरदास देच ए शब्द ऐड कीते ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते। केड़ा गुरमुख जिदे हिरदे दा दीपक जल गया, चानना हो गया। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। बिना मन दी मौत हरी दी प्राप्ति किथे। तन मर के मिट्टी च मिट्टी आउंदा है, मन मर के जोत बिच जोत आउंदा है। तन मिट के हाक बिच हाक आउंदा है, सूक्ष्म शरीर मिट के नूर बिच नूर आउंदा है। हाक बिच हाक असी करोड़ां दफा हो चुके हैं, नूर बिच नूर होना नसीब नहीं होया। जिस दिन नसीब हो गया फिर हाक बिच हाक होने की लोड़ नहीं रहेगी, फिर जन्म मरण तो रहत हो जाए। फिर नानक बद्धा घर तहां जिथे मृत न जन्म जरा। किरत करनी है, धंधा करना है, कारो विहार करना है, दसा नवा की किरत करनी है ताकि तन दे अंदर प्राण चल दे रहे। रोटी चाहिए, कीर्ति करनी है, शब्द का जप करना है ताकि मन की मौत हो। जी आखोगे मन की मौत किवें होएगी? शब्द दे नाल। तो हुण मैं आवां उस पंक्ति ते, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। जिथे पवन ने ये सारे तत्तां दा संजोग बना के रख्या है, स्वासां दी डोरी दे टुटदे तन बिखर जांदा, खत्म हो जांदा। उत्थे ही प्राणा ने, पवन ने सूक्ष्म ते अस्थूल शरीर का भी संजोग बना के रख। फिर जो असी बोलते हाँ ये पवन तत् की प्रकृति है, देही माटी बोले पवन, देही माटी बोले पवन। मिट्टी नहीं बोलती, पानी नहीं बोलता, अग्नि नहीं बोलती, पवन बोलती। देही माटी बोले पवन, बोलना पवन तत् दी प्रकृति है। दुनिया के सारे संबंध बोलचाल ते खड़े ने। जिथे संबंध ना आवे मनुख कह देंदा साड़ी उत्थे बोलचाल नहीं है, उत्थे बोलचाल नहीं है। बोलचाल नहीं है तो मुराद संबंध नहीं है। जिथे संबंध है मनुख कहिंदा उथे साड़ी बोलचाल है, बोलचाल है। मनुख दी बोलचाल नू प्रभु ने खूबी दिती है, खूबी दिती है कि इहदे कोल जिहड़ी आवाज है उहदे च इह अल्फाज़ां नू जोड़ सकदा है, इहदे कोल जिहड़ी धुन है उहदे च अखरां नू जोड़ सकदा। हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ही ने, क्यों? आवाज ते है अल्फाज नहीं ने, धुन ते है अखर नहीं ने, ते सारा विकास ते अखरां ते खड़ा है। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वख। कबीर कहिंदे ने अखर अंदर त्रिभुवन धारे, तिन लोकां दा ज्ञान अखरां विच बंध पे, अखरां विच बंध पे। आवाज से गुंगे कोल भी है आ आ करदा। गुंगे नू पुछिए तू किथे जाना है, तो आवाज है अल्फाज नहीं, धुन है अखर नहीं है। इस वास्ते जिंदगी दे हर शोबे दे दरवाजे गुस्ताखी माफ गुंगे ते बंद ने। गुंगा बहुत दया दा पात्र है बनिस्पत अंधे, क्यों? अंधे कोल आवाज दे नाल नाल अल्फाज हैं, धुन दे नाल नाल अखर हैं,
इस वास्ते अंधे मनुखां देते तरक्की दे द्वार बंद नहीं ने, नेत्रहीण मनुख चोटी दे दार्शनिक देखे गए ने, फिलोसफर देखे गए ने, चिंतक देखे गए ने, संगीतकार देखे गए ने, कवि देखे गए ने। दास दे नाल 20 साल तक भाई भगवान सिंह चलते रहे, जन्म तो नेत्रहीन सन, चोटी दे संगीतकार कवि, चोटी दे कवि कई पुस्तकां दे लिखारी। नेत्रहीण मनुख कवि बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, चिंतक बन सकता है, संगीतकार बन सकता है। नेत्रहीण मनुख राजनीति देच भी अग्रसर होए ने। द्वापर युग दा धरत राष्ट्र नेत्रहीण से। इस वक्त इंग्लैंड दा होम मिनिस्टर अंधा है, शायद आपको पता। मैं तो पिछले दिन ही देख के हैरान होया, एक स्कूल दे उद्घाटन दे आया, सिंगा ने बुलाया, नेत्र हैं सोटी दे आसरी दे चल रहा, एक ने बाँह पकड़ के बिठाया। मैं कहे ए होम मिनिस्टर, कहने लगे हाँ। और बड़ी खुश असलूबी नाल अपने अहदे की पालना कर रहे। इस वक्त इंग्लैंड का होम मिनिस्टर अंधा है, नेत्र हैं। पिछली पार्लियामेंट दे दो MP भी अंधे ही सन साढ़े देश, एक बिहार तो सी, शायद एक गुजरात तो सी। वक्ते बहुत अच्छे सन, बोल बोल के वोट हासिल कर ले। नेत्रहीण मनुख चोटी दे राजनीतिक देखे गए ने, दार्शनिक देखे गए ने, फिलोसफर देखे गए ने, कवि देखे गए ने, संगीतकार देखे गए ने। नेत्रहीण मनुख भगत भी होए ने, संत भी होए ने। दूर क्यों जाओ, एक नेत्रहीण भगत सूरदास, ओदा शब्द ते धन गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर। संसार नू वेखण दे ते सफल ना होया सूरदास, निरंकार नू वेखण दे सफल हो गया। संसार दिखाई देंदा इन्हां दो अखां नाल, निरंकार दिखाई देंदा अनुभव प्रकाश नाल, तीजे नेत्र नाल। आ जिथे हिंदू वीर टीका लांदे ने, तीन दिन तीजा नेत्र ए है। जिस दिन मनुख पूरा जागदा है, जिस दिन इसका मन पूरा जागदा है, ते जागेगा किवें, हुण ध्यान नाल सुनना। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप, वाहिगुरु नू सुनाण वास्ते नहीं, लोकां नू सुनाण वास्ते नहीं, वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप सुते मन नू जगाण वास्ते है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागा। शब्द दी थरोत जितनी गहरी होवेगी, उस मनुख दी समझ उतनी उच्ची होगी। स्रोत ही नहीं है, समझ कख भी नहीं होवेगी। छिड़के हुए लोग थानू गुरुद्वारियां च बैठे मिलणगे सवेरे ते शाम, स्रोत नहीं। जितनी स्रोत गहरी होवेगी, सुनना गहरा होवेगा, उतनी समझ उच्ची होवेगी। इस दे मैं एक उदाहरण देना हुंना, जिस दरख्त ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक लै जाना है, उन्हूं अपनियां जड़ां पाताल विच लै जाणी है। जो अपनियां जड़ां नूं पाताल विच लै जाण विच सफल नहीं होया, वो अपनियां शाखां नूं आसमान तक नहीं पहुँचा सके। जिहदा सुनना पूर्ण तौर ते गहराई जड़ां तक नहीं है, उहदी समझ परमात्मा तक नहीं पहुँचण वाली, उच्ची नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शब्द सुनन दा विषय है। शब्द दी उत्पत्ति पवन तो है, देही माटी बोले पवन। पवन ने तत्तां दा संयोग बना के रखे है, पवन ने सूक्ष्म ते स्थूल दा संबंध बना के रखे है। पवन करके बोलना है, ते बोलन करके मनुख जप करदा है, जप करके जागदा है, जागदा है जोत विच जोत हो जांदा है। पवन नहीं मदद करदी है, गुरु नानक नूं पवन नूं गुरु कहना। फिर भाई गुरदास इसका इंज खुलासा करदे ने, पवन गुरु गुर शब्द है, वाहेगुरु जप मंत्र सुनाया। पवन दे चलदे आ असी, वाहेगुरु वाहेगुरु जपया ते वाहेगुरु दा रूप हो गया। पवन गुरु भाई साहब भाई गुरदास जी, पवन गुरु गुर शब्द है, वाहेगुरु जप मंत्र सुनाया। हुण बुनियादी नुकता मैं 5-10 मिनट बयान करके ओखेवां दी जाचना, क्योंकि दो दो तीन तीन हाजरियां रोज़ दियाँ कुछ इस तरह की जिम्मेवारी पै गई। शरीर ना मनदा होया भी संगतां दा हुक्म, ते सवेरे दास ने दिल्ली हाजरी भरनी, इस वास्ते मैं हुणे ही सफर करना। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहेगुरु जप मंत्र सुनाया।
शब्द धुन से पवन करके पैदा होई, बाहर प्रगट होई, ये धुन अंदर जावे। रसना नाल बाहर प्रगट होई है कि कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगी, पूंज नहीं, प्रवेश करेगी स्रोत नाल, सुनन नाल। कौन कीर्तन सुनदा है? नहीं सुनदा, गुस्सा की मार। कौन पाठ सुनदा है? लोकी अपने घरां च भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे च अखंड पाठ चलदा उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधरे सुनना ना पै जाए। कौन सुनदा? गुरु नूं सुनना कोई सौखी खेड नहीं, क्योंकि गुरु दे बोलां विच परमात्मा है, वह गल साडे सिर दे उपरों लंघदी है। स्रोत गहरी नहीं है तो समझ उच्ची नहीं हो सकती। हुण मैं अर्ज करां, ये जो पवन है, इस करके जो बोलना होंदा है, आवाज निकल दी है, किस तरह निकल दी है? शास्त्रकार ऐसा कहंदे ने, और धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सानू जो जुड़न दा ढंग दस्या, वह भी मैं थोड़े सामने रखा। पांच शब्द ने और ये विशा अलग हो जाएगा कि उत्पत्ति शब्द तो ये कीता पसाओ एको कवाओ, एक कवाओ तो, एक धुन तो, एक आवाज तो संसार बने। पीता पसाओ एको कवाओ तिश्ते होए लख दरिया, लखां जिंदगी दे दरियाओ एक कवाओ तो, एक शब्द तो है। इस नाल सारे अवतारी पुरुष सहमत ने। खुलासा करन दा समा नहीं, चाहे मूसा है, चाहे ईसा है, चाहे इस्लाम दे बानी मोहम्मद साहब ने, चाहे जैन आचार्य स्वामी महावीर ने, महात्मा बुद्ध ने, चाहे उपनिषदां दे ऋषि ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज जगत की उत्पत्ति शब्द तो मनते ने। एक कवाओ कदों होया? समा नहीं सी तो कह नहीं सकते कदों होया। समा आंदा है दिन ते रात, इस करके नापया जाता है, सूरज करके नहीं सी। महाराज कहंदे ने, अरबद नरबद धुंधू कारा, धरण न गगना हुकम अपारा, ना दिन रह न चंद ना सूरज, सुनने सुन रहा है दा। ना चंद्रमा सी, ना सूरज सी, ना जमीन सी, ना आसमान सी, ना तारे सन, ना स्यारे सन, बस धुंध ही धुंध सी। ऐसा गुरु नानक कहंदे ने, अजोकी सैंस सहमत हो गई। ये जद लंबी चौड़ी व्याख्या मैं शिकागो की थी, मैनू नहीं पता सी तीन चार सेंटेंस बैठे, दो ते अमेरिकन गोरे सन, दो सिंह सन। उन्होंने सिंगा ने कहा, गया नहीं जी थानू असी एक फिल्म दिखानी है। मैं कि कहने की जी तुसी व्याख्या की ना, तुसी अपनी व्याख्या देख लो, बहुत जो तुसी बोले हो अजोकी सैंस ए मन दी। मैं क्या, मैं नहीं बोले, मैं ते गुरु नानक दे शब्द पढ़ के सुनाए ने, खोल के सुनाए ने, ते सतगुरु दे बोल। अरबद नरबद धुंधू कारा, धरण न गगना हुकम अपारा, ना दिन रह न चंद न सूरज, सुनने सुन रहा है दा। सनाटा सी, सुन सी, धुंध सी। अरबद नरबद धुंधू कारा, कितने समय तक सी, समा है नहीं सी तो किस तरह नापया जाए? समय नु नापदिया दिन करके रात करके तो है ही नहीं सी। फिर एक दिन मजबूरी मैं कह रहा, दिन नहीं सी। एक कवाओ होया, एक शब्द होया, उस तो लखां जिंदगी दे दरिया चल पे। जीवन दा दरिया सूरज है, अरबां खरबां सूरज प्रगट हो गए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े हो गए। ये जमीन भी सूरज दा टुकड़ा, ये अजे भी पूरी ठंडी नहीं हुई। सूरज दा हिस्सा, इसका जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होया ते धुंध पानी बने, वही भाग जिस आकार विच प्रगट होया पत्थर, वही पत्थर हजारां लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति दी शक्ल विच प्रगट होया, क्योंकि धुंध पानी हो गई तीन हिस्से पानी। लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति पशु पक्षियों दी शक्ल विच प्रगट होई, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का वास। फिर लखां साल की लंबी यात्रा तो बाद जेड़ा वजूद बनया, विकास करद करद
उसनों मानव कहिंदे ने, मनुष्य कहिंदे ने, तन दे नाल नाल विकसित मन भी बन गया मान। यात्रा चूंकि शब्द तो हुई सी, हुण वापसी भी शब्द तो हो गई। पुतपत परले शब्दे हो भेजिया, तो उसने एक कवाओ नाल, हुण जीव दी मर्जी है वापस जाना है कि नहीं। वैसे गुरबाणी आवाज मार दी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ गए, जिथों आया उत्थे आ। तू परमात्मा तो आया, मन तू जोत स्वरूप है, तेरा ओ घर है। कब्र तन दा घर है, खुदा मन दा घर है। मिट्टी शरीर दा घर है, जोत सूक्ष्म शरीर दा घर है। आवाजा मार दी पई है बाणी, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। पर किस तरह घर आवे, इत जागत सोया जन्म गवाया अचेत। पत्थर टोटली सुत्ता होया है, संत पूरा जागे होया। सुते दी यात्रा है, जागे हुए दी तरह। पत्थर टोटली सुत्ता होया है, परमात्मा पूरा जागे होया है। सतगुरु जागता है देव, उस जागे हुए नाल जागया होया जुड़ सकता है। जागे हुए नाल सुत्ता होया नहीं। खुफता रा खुफता किकुल नद विदार, शेख साधी कहिंदे ने, सुत्ता होया मनुख नींद दे पिया, मनुख सुत्ते नाल नहीं जुड़ सकता, और सुत्ता होया मनुख जागे नाल भी नहीं जुड़। मन नू जगाण वास्ते है, वाहिगुरु नू सुनाण वास्ते नहीं। जिस दिन पूरा जाग गया, फिर मन तो जोत स्वरूप है, बूंद सागर दे सागर हो जाएगी, किरण सूरज दे सूरज हो जाएगी, मन दी मौत हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर दी मौत हो जाएगी। ये अवस्था बनेगी जप नाल, जप शब्द, शब्द उसकी उत्पत्ति आती है पवन तो, देही माटी बोले पवन। जैसे अंदर बोलन का फुरना पैदा होता है, पवन नाभी नाल टकराती है, नाफ नाल। नाभी नू सिर्फ भारत दे, समुचे भारत दे धुनी ही कहिंदे ने, धुन इत्थों उठदी है पवन दे टकराव नाल। इनू सुगर शब्द कहिंदे ने। वह जो कवाओ होया सी, कहिंदे ने उहदे च पंज तरह दियां धुनियां सन, पंज शब्द सन, वाजे पंज शब्द। क्योंकि कवाओ तो सारा संसार आया है, तो कवाओ संसार दे च मौजूद है। इहदी मैं अर्ज करां, जैसे माँ बाप तो शरीर आया है, तो माँ बाप दी अन शरीर दे च मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, शब्द संसार दे च मौजूद है, अलग नहीं व्यापक। घट घट वाजे नाद, उते नाद वज रहा है, पर वो नाद आहत शब्द नहीं है, अनाहत शब्द है। आहत शब्द जो चोट तो पैदा होता है, अनाहत शब्द जो सीधा परमात्मा तो आया है। सीधा परमात्मा तो जो आया वो केड़ा शब्द है, चलो ये भी मैं अर्ज कर दिया। स्वामी महावीर कहिंदे ने ओहंकार है, उपनिषदां दे अद्धे ऋषि कहिंदे ने ओहंकार है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने ओहंकार आद कथनी अनाद। ओहंकार अनादि कथनी है, पहला बोल। कबीर कहिंदे ने ओहंकार आद मैं जाना, लिखिया रमेठे ताए न माना। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ते पूरी बाणी रच दिती रामकली राग दे ओहंकार। ओहंकार ब्रह्मा उत्पत, ओहंकार किया जिनचित, ओहंकार सैल जुग भय, ओहंकार वेद निर्भय। सारा पसारा ओहंकार दी धुन तो है, और ये धुन धुनाकार है, व्यापक है, व्यापक है। उत्पत्ति सारी दी सारी शब्द तो ही है, और उत्पत्ति दे शब्द मौजूद है, व्यापक है। तेह लोका में शब्द रव्या है, गुरबाणी तेह लोका में शब्द रव्या है, आप गया मन मान्या। मुख्तसर में अर्थ करा, जैसे अंदर बोलन का फुरना पैदा होता है, पवन नाभि नाल टकराती है, तो धुन पैदा होती, उन्हें कहते हैं परा। परा बस इस नुक्ते नु अगर तुसी पकड़ लिया ना, फिर शब्द गुरु की समझ आ जाएगी। और कठिन है शब्द गुरु नु समझा। गुरु की समझ आ गई, परमात्मा की समझ आ ही जाएगी। गुरु दर है, दरवाजा है, परमात्मा घर है। दर घर तो अलग नहीं आता, गुरु द्वार दरवाजा है। जो प्रकाश दे रूप दे घर है, वो ही शब्द दे रूप दे दर है। जो शब्द दे रूप दे दर है,
वही प्रकाश दे रूप दे घर है, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। प्रकाश शब्द करके होगा, घर जाना नसीब दर करके होगा, गुरु दर है, शब्द दर है, गुरु द्वारा है। नानक सौदे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाई, दोहां च अंतरा नहीं। वो जिहड़े पंज शब्द, वो जो धुनाकार आवाज हुई जिस तों जगत बनया, उहदे संगीत आचार्य फिर इंज व्याख्या करदे ने, ये गल वखरी है, संगीत ते खो गया, दो सुरां दा राग रह गया सिख जगत विच। पता है क्यों? स्रोत नीवी हो जाए वक्तव भी नीवा हो जाता है। मासूम बच्चे नाल, तीन चार साल दे बच्चे नाल तुतला के बोलना पैंदा, संगीत ते खो गया। मैं पिछले दिन गौड़ी राग दी बाणी रिकॉर्ड करा रहे थे, व्याख्या, मैं हैरान होया, कई प्रकार दियां गौड़ियां, गौड़ी चेती, गौड़ी बैरागन, गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी पूर्वी, मैं कहा दो इनिया गौड़ियां गुरु ग्रंथ साहब, एक एक राग दे इतने इतने रूप, शुद्ध गौड़ी पई कोई नहीं पिया गाँवदा, गौड़ी चेती, गौड़ी बैरागन, गौड़ी ग्वारेरी, कौन गावे, गौड़ी पूर्वी कौन गा। एक एक राग दे कई कई पहलू ने खो गया, कारण स्रोते खो गए, शब्द दी विचार भी खो गई, क्यों स्रोते खो गए। उपरों उपरों सारियां गल्लां रह, उपरों उपरों ढोल धमके रह गए ने, गहराई नहीं रही। मैं फिर अर्ज करा, जिस मनुख का सुनना गहरा नहीं है उस मनुख की समझ उच्ची नहीं हो, पता ही नहीं। जिस दरखत दियां जड़ां पाताल दे च नहीं गईयां, उहदियां शाखां आसमान तक नहीं जाने, नहीं जाने। इन्हां पंज शब्दां दी उंज व्याख्या करदे ने, तत्, वित, घण, नाद, सुगर, पंज। फिर इंज खोल के व्याख्या करदे ने, तत् तंती विच तर चरम का, घण का सी का जान, नाद शब्द घट को कहें, सुगर श्वास पहचान। तत् तंती, तंती साजां ते जो जरब करके चोट करके धुन पैदा होंदी है उन्हों कहिंदे ने तत् शब्द। सितार, दिलरुबा, सारंगी, रबाब इत्यादि। वित चर्म का, चमड़े दे मड़े हुए साजां तो जड़ी धुन पैदा होंदी है उन्हों कहिंदे ने वित शब्द। धातुआं दे टकराव तो जड़ी आवाज पैदा होंदी है, पित्तल पित्तल नाल टकराए, सोना सोने नाल, लोहा लोहे नाल, धातुआं दे टकराव तो जड़ी आवाज पैदा होंदी है उन्हों कहिंदे ने गण शब्द। ओंकार दी धुन दे च जड़ी पंजवीं धुन सुनी उन्होंने उन्होंने नाद शब्द कहा। नाद शब्द घट को कह उन्हों प्रगट किया, जिवें घड़े दे थाप दई ती आवाज पैदा होंदी है उन्हों कहिंदे नाद शब्द। सुगर श्वास पहचान, जो पमन दे फूकण तो शब्द आवाज की उत्पत्ति आती है उन्हों कहा गया सुगर। जैसे मुरली, शहनाई, नरसिंगा सवेरे दरबार साहब दे वजदा बजाया जाता है, संख, नरसिंगा, पनेरी, मुरली, शहनाई है हारमोनियम, पमन देइए तो वजदा उंज नहीं वजदा। पमन दे फूकण नाल जिहड़ी आवाज पैदा होंदी है सुगर शब्द। ओंकार दी धुन दे ए पंज आवाजां सन, वाजे पंज शब्द मिश्रत से। फिर परमात्मा दा बोल, वो जो आवाज सी परमात्मा दी, वो गीतमई सी, संगीतमई सी। परमात्मा दे बोल गीत ने, भागवत गीता, भगवान दे बोल गीत आउंदे ने, संगीत आउंदा। जैसे बोलन दा अंदरों ख्याल पैदा होंदा है, पवन धुनी नाल टकरांदी है, नाभी नाल टकरांदी है, धुन पैदा हो जाती है टकराव तो। देही माटी बोले पवन, पवन दे टकराव तो धुन पैदा होंदी है, उन्हों कहिंदे ने परा। वो हिरदे तक पहुँचती है, इत्थे इनू अखर मिलते ने, इनू कहिंदे ने पसंती। ये फिर कंठ तक पहुँचती है, इत्थे पूरा वाक बन जाता है जो कहना है, इनू कहिंदे ने मधमा, जबान बयान कर देंदी है, इनू कहिंदे ने बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी ऑटोमैटिक बड़ी
छेती नाल प्रकृति के नियम के मुताबिक अंदर ये सब कुछ होता है। जैसे बोलन का फुरना पैदा होया पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभि नूं ध्वनि स्वास्थ्य कहिंदे ने उस टकराओ तो ध्वन पैदा होंदी, थोड़ी जिहा नाप खुलदी है, जिवें शहनाई जिवें मुरली जिवें संख जिवें फनेरी जिवें नरसिंगा जिवें हारमोनियम, आवाज़ पैदा होंदी है परा, अखर बनदी है पसंती, पूरा वाक बनदी है मधमा, जबान बयान कर देंदी है बैखरी। हुण ये जो बैखरी बाणी है वाहेगुरु वाहेगुरु धुन बाहर आ गई बैखरी है, इनू परा बनाना है। किस तरह? सुन के रसना नाल बार प्रगट होई है, कन्ना नाल अंदर जाए। सरवनन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना भी, जबान नाल गाओ कन नाल सुनो, जबान नाल सारे गाते ने सारे वक्ते ने सुनदा कोई 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 कोई, अठ घंटे पाठ करन वाला पाठी एक मिनट सुन नहीं सकता, अठ अठ घंटे सेवा करन वाला मनुख शब्द अठ मिनट सुन नहीं सकता। सुनना सब तो कठिन, सब तो कठिन, सुनिया ही नहीं शब्द अंदर नहीं गया, भोजन की बुरकी अंदर गई तन दे चों भुख बाहर आई, शब्द मन दे च गया दुख ते पाप बाहर आए, नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश, भोजन की बुरकी अंदर नहीं गई तो भुख बाहर नहीं निकलेगी, शब्द अंदर नहीं गया तो दुख ते पाप बाहर नहीं आना, अंदर ही रहना, पाप अंदर ने, ते अंदर पाप किस तरह बढ़ जाते ने, पुन्नी पापी आखण ना है कर कर करना लिख ले जाओ, जेड़ा कर्म असी पूरे मन नाल करदे आ मन दे चोदी छाप बन जाती है, उन्हों कहिंदे ने संस्कार, अंदर लिखिया जाता है चित्र गुप्त दे सूक्ष्म शरीर दे, वो मिट नहीं जाता, कहण मात्र गल नहीं है पुन्नी है पापी है, पुन ते पाप दी अंदर छाप बनती है, किड़े पुन ते पाप दी, जिस पुन ते पाप दे च मन पूरा है। एक नुकता होर भी सुन लो, पाप दे च मन पूरा होंदा है, प्रभ की उत्सद करो संत मीर, सावधान एकागर चीत, पूरी सावधानी पूरी एकाग्रता प्रभु दे नाम दे च नहीं आउंदी, बुरे कर्म दे च होंदी है। तुसी आखोगे मैं की कह रहा, आउंदी क्यों? बुरे कर्म दे च खतरा बड़ा है, समाज दा खतरा है, कानून दा खतरा, मनुख समाज दी नजरां तो गिरदा है ते कानून दी पकड़ दे च आउंदा है, तो बुरे कर्म दे च मनुख पूरी सावधानी वरतदा है, पूरी एकाग्रता वरतदा है, चोरी करनी है, डाका डालना है, कतल करना है, दुराचार करना है, कुछ भी अनर्थ करना है, पूरी एकाग्रता नाल हो सकदा है, पूरे ध्यान नाल हो सकदा है, उंज नहीं हो सकदा, मनुख सावधानी पूरी वरतदा है। समाज दा खतरा है, कानून दा खतरा है, वाहेगुरु वाहेगुरु जपना है, गुरु दा शब्द जपना है, गुरबाणी जपनी है, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, ये मन नहीं आता, आता तो पूरा नहीं आता, पूरी सावधानी नहीं आती, क्यों? कोई खतरा तो है ही नहीं, उल्टा वाहेगुरु वाहेगुरु जपिए तो लोग भगत कहें, ब्रह्म ज्ञानी कह लग पे, गुरमुख कह लग, उल्टा उपमा हो लग पी, खतरा तो कोई है नहीं, तो खिड़के हुए लोग बैठे होंगे। प्रिंसिपल गंगा सिंह का एक बोल अजे तक मैं याद है, रांची विच गया सी, मैं बैठा सी, कहिंदा स्टेज देते ते मेरे सामने जिहड़े थिड़के हुए लोग बैठे ने, इंज देखना इंज देखना, कहिंदे नूं मेरे मन नूं बड़ा उचाट करदे ने, मेरी तारा नूं तोड़दे ने, एक उखड़िया होया मनुख कईआं नूं उखेड़ के रख देंदा है, एक जुड़िया होया मनुख कईआं नूं जोड़दा है, ऐ वी मैं एक जुड़े हुए मनुख का भी अपना ओरा आउंदा है, अपनी आभा आउंदी है, दूजे नूं प्रभावित करता है, एक उखड़े मनुख का भी अपना ओरा आउंदा है, तो दस भी उखड़े हुए बैठे ने, यकीन जानो वातावरण बहुत खराब हो, सेड नहीं बने, नहीं बने। बुरे काम विच एकाग्रता पूरी आउंदी है, उपदेश देने की लोड़ नहीं, सावधानी नाल चोरी करी, एकाग्रता नाल कतल करी, अगले की जेब कटनी है पूरी ध्यान नाल कटी, ध्यान तो है ही, उन्होंने पता है पकड़िया जावा तो खैर कोई नहीं,
हर बुरे कर्म विच एकाग्रता पूरी है, सावधानी पूरी है, सारा संसार सहजे सहजे बुरा होता जा रहा है। क्यों? हर बुरे कर्म विच सावधानी है, एकाग्रता है, सहजे सहजे सारा जगत बुरा होता जा रहा है, भला नहीं आता। क्यों? शुभ कर्म विच एकाग्रता ही कोई नहीं, सावधानी कोई नहीं। उखड़े लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च बैठे हैं, काबल विच घोड़े खरीदने ने ते सुल्तानपुर का नवाब नमाज पिया पढ़ता है, नमाज पढ़दा घोड़े पिया खरीदा, हर बंदा बस घोड़े ही खरीद रहा हूँ, अपने अपने चकरां च पिया हूँ। सावधानी है नहीं, एकाग्रता है नहीं, एकाग्रता सावधानी खतरे तो बिना नहीं आती। ये भी ध्यान देना, नवा नवा स्कूटर चलाना सीखना है ना तो बड़ी एकाग्रता आती, उन्हें पता है जरा भी ध्यान इधर उधर फुखड़ा मैं अपन लत्तां बाहवां तोड़ावांगा, एकाग्रता कि जब चलाना आ जाता है तो चलाना सुभाव दे रम जाता है, फिर तो नाल दे साथी नाल गप्पा मारदा चलाई जाए। हुण सावधानी नहीं, हुण इतनी एकाग्रता नहीं, थोड़ी जी एकाग्रता नाल भी काम चल जाता है। नवी नवी कार चलानी सीखनी है, बड़ी एकाग्रता, बड़ा ध्यान। उन्हें पता है मेरा ध्यान उखड़ा तो कार भी गई तो मैं भी गया, खैर कोई नहीं। तो बड़ी सावधानी कि जब चलाना सुभाव बन जाता है, एकाग्रता भंग हो जाती, उतनी सावधानी नहीं रहती, फिर तो टेप सुन दे आया भी चला रहे हैं, फिर तो नाल दे साथी नाल बैठे हैं गप्पा मारदे हैं भी कार चलाई जा रही है। कारण हुण खतरा नहीं रहा। कुछ दिन पहले एक सज्जन ने बड़ा लंबा चिट्ठा मैनू लिखा, मस्कीन जी थोड़ी किताब दे चे बोल पड़े, बिना खतरे तो एकाग्रता नहीं आती। कहने वाहेगुरु वाहेगुरु का नाम जपना हो, पहले तुम दसो कि खतरा पैदा करिए। चिड़के गल लिखी थी उसने, और तनज करके चोट करके कहने लगे, हुण जो एकाग्रता जो चाहिए है तो तुम कहते हो एकाग्रता बिना खतरे तो नहीं आती, तो वाहेगुरु वाहेगुरु जपना है, तो हुण बाणी पढ़नी है, तो पहले तुम दसो केड़ा खतरा पैदा करिए। चंगा, उसने अपने थले फोन नंबर लिखा थी, तो रब दी ने मिल गया मैनू फोन से। मैं कह मित्रा, खतरा पैदा करन दी लोड़ नहीं है, खतरा हर वक्त बनया होया है, बनया केड़ा? धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का मैं उसनु बोल सुनाया, रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवनन गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। पर एकाग्रता किमें होगी, ए ध्यान एकाग्र किमें होवे कि मैं पूरी एकाग्रता नाल सुना, ते जबान वाहेगुरु वाहेगुरु करे और मेरा मन सुने, कन्ना देना गावीए सुनिए मन रखिए वाओ, ये मेरी एकाग्रता किस तरह होगी? बोलते लवागा वाहेगुरु वाहेगुरु, सुनते मैं तां सकांगा जे मेरी एकाग्रता। एक मनुख उची उची बोल रहा हूं, दूजा सुन रहा हूं, सुनने वाला कह देंदा मित्र फिर गल आख मैं नहीं सुनी, तू क्यों नहीं सुनी? कहिंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला। सुनना ध्यान में, ध्यान नहीं तो शब्द की छाप अंदर नहीं बनेगी, संस्कार अंदर नहीं बनेंगे, लिखिया नहीं जाएगा। मन कर कबू ना हर गुण गाए, महाराज कहते हैं हरी दे गीत मनुख गाँदा, वो मन नहीं आता, ध्यान नहीं आता, एकाग्रता नहीं आती। क्यों? खतरे तो बिना एकाग्रता होती नहीं, ध्यान होता ही नहीं। खतरा हर वक्त मंडला रहा है, खतरे को मनुख बोले होया है। रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवन गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। केड़ा खतरा बनया होया है? काल ब्याल जो पर ओ डोले मुख पसारे में, काल दा ब्याल, काल दा सप, समय दा सप, मौत दा सप तेरे सिर ते मंडला रहा है। शिव जी ने एक प्रत्यक्ष रूप बनाया सी, तन ते उते राख मल लेंदा सी, खाक मल लेंदा सी, गल दे सप्पां दी माला। सारा दिन बोल के समझाना तो औखा होंदा है, क्योंकि बोलना तो सीमा दे चाहुंदा है, लिखे बोलन बोलना ज्यादा मनुख नहीं बोल सकता। सारा दिन समझाना है तो शिवजी ने समझाने का एक ढंग सीख लिया, बड़ा सोहना, गल दे सप्पां दी माला पा ले ते तन ते राख मल ले। और आखे जिहड़ा सप्प है ना, एक दिन डंग मारेगा, राख हो जाओगे, खाक हो जाओ। इसनों गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बड़े आलमाना ढंग नाल बयान कर रहे हैं, काल ब्याल जियो पर ओ डोले मुख पसारे मीत,
काल दा सब तेरे सिर ते घुमरे और मुंह उतने अड़े होया खोले होया। आज काल फुन तोहे ग्रस है, समझ राखो चीत अज या कल इन्हें तेनु डंग मारना मारना। सिर ते जो मंडल आंदा पिया खतरा ते हर वक्त मंडल आ रहा हर वक्त। पूरी एकाग्रता किस दे अंदर होवेगी, पूरा ध्यान किस तरह किसदा होवेगा, परमात्मा नाल पूर्ण तौर पर कौन जुड़ेगा जिहदे कोल मौत का ज्ञान है और पहले मौत नूं समझदा है मौत नूं मनदा है। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ा रब की गल बाद पहले मौत, इस तो बिना एकाग्रता नहीं होगी, इस तो बिना ध्यान टिकेगा नहीं। मनुख छिड़के बैठे होंगे ने जप कर लगे पाठ कर सैकड़े मैनू कहते हैं की करिए मन से जुड़ता ही नहीं, मन से जुड़ता ही नहीं, ध्यान से जुड़ता ही नहीं, ध्यान खतरे तो बिना नहीं जुड़ता। उसनों मैं आखिया मैं कह मित्रा मौत का सब हर वक्त मंडल आ रहा है, अजे डंग नहीं मारे तो यदा ये नहीं मतलब कि उन्हें डंग नहीं मारना मारना है। आज काल हुन तोहे गरस है, समझ राखो जी फिर एकागर हो जाए। फिर वाहेगुरु आख्या होया अंदर लिखा जाएगा, फिर एक दफा का वाहेगुरु आख्या होया भी मन नूं जगा देगा। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागाई, ऊ जो पवन नाभी नाल टकरांदी है धुन उठदी है परा, हृदय तक पहुंचदी है पसंती कंठ तक पहुंचदी है मधमा जबान बयान कर देंदी है बैखरी। इनू सुन के इस बैखरी नू परा बनाना है, स्रोत इतनी गहरी करनी है वक्तव जितना गहरा है, धुन जितनी गहराई तो उठी है उतनी गहराई दो सुनना। इसनू कबीर ने जिस पंक्ति च बयान किया है कोई थोड़े चो ध्यान साधना करते हो गए जरूर गल पकड़ दे चाहेगी। कबीर कहते हैं उल्टी गंगा जमन मिला, गंगा जिथों जन्मी है गंगोत्री तो मैं उल्टा के पलटा के उत्थे ले जाना ले जा रहे हैं जिथों जन्मी है। बड़ा औखा कम है, दरिया अक्सर पहाड़ों की उचाई तो निकल देना, डैम तो बना सकते हैं फिर भी नहर के चूना का पानी बहा सकते हैं, पर जिथों दरिया निकलिया पलटा के उत्थे लै जाइए अज तक तो इस तरह होया। कबीर कहते ने कम मैं कर रहा, धुन जिथों निकली है जितनी गहराई तो पलटा के मैं उत्थे लै जाना लै जा रहा कोशिश कर रहा। धुन जितनी गहराई तो निकली है, जब कोई इतनी गहराई नाल सुनदा है कपाट खुल जाते हैं। हुण ध्यान नाल सुनना, थोड़ी जिहा गहराई नाल सुनिए, जिस रस्ते तो धुन बाहर प्रगट हुई है अंदर भी उसे रस्ते तो जाएगी। अक्सर महान महल जिसका एक बहुत वड्डा दरवाजा जिस रस्ते दे राही आना होया जाना भी उसे रस्ते दे राही। धुन जिस रस्ते तो बाहर प्रगट हुई है वापस भी उसे रस्ते तो जाएगी। परा बसंती मदमा बैखरी, वाहेगुरु वाहेगुरु दी धुन ये बाहर प्रगट हुई है, धुनी तो उठिए हृदय तक आइए कंठ तक आइए जबान ने बयान कर दिती है। हुण जितनी गहराई नाल कोई सुने, चलो मधमा तक गहराई होवे तो ये शब्द धुन कंठ तक जाएगी। ऐसे मनुख नूं वाहेगुरु वाहेगुरु आखण दा रस आण लग पएगा अगर इतनी गहराई भी है। ऐसे मनुख बारे गुरबाणी कहिंदी है वाहेगुरु इहदी रसना ते वस गया, प्रभ जी वसे साध की रसना। बस समाप्ति करन लगा मैं, प्रभ जी वसे साध की रसना, कंठ दे च बस गई है स्वाद आन लगते हैं। भोजन दी बुरकी मूँह च पाई जबान नूं रस ते आ गया है, पर ए भोजन दी बुरकी अजे पची नहीं, अजे खून नहीं बनी, चर्बी नहीं बनी, शरीर का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि कंठ तो थले नहीं गई, जबान नूं रस आ गया है। वाहेगुरु आखण दा रस पहले आ जांदा है, अध्यात्मक बल समाधि ये शक्तियां बाद विच मिलदी हैं, पूर्ण चानना बाद विच आउंदा है, रस पहले आने लगता है। ये रस फिर पिछे नहीं मुड़न देंदा, मनुख कोशिश करता है और करिए जा और करिए और गहराई दे जाइए, ये रस इसनू अगे लै जाएगा और एकाग्रता वध गई। इतनी गहराई च सुनिया जिथे पसंद थी, तो ऐसे मनुख नू अनाहद नाद सुनाई देन लग पैंदा। अनाहद नाद केड़ा जिस तो जगत की उत्पत्ति होइए, घट घट वाजे ना व्यापक है, परमात्मा व्यापक है, उहदा बोल व्यापक है। इतनी गहराई तो सुन रहा है, कितनी
जिथों ये धुन उत्पन्न हुई है नाभि तो, तो नाभि पूरी खुल जाएगी। जैसे नाभि खुलेगी सूक्ष्म शरीर दी मौत हो जाएगी, ये मर के ज्योत देश ज्योत हो जाएगा। ध्यान नाल सुनना, आखिरी प्राण भी नाभि देश है। हाथ तो प्राण निकल गए ने मनुख जिंदा है, पैरां तो प्राण निकल गए ने मनुख जिंदा है, अखां तो प्राण निकल गए ने मनुख जिंदा है, आखिरी प्राण नाभि दे चौंदा है। इन्हू कहिंदे ने गंढ दा खुलना। जब आखिरी प्राण नाभि दे चों निकलदा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखदे ने, हथ मरोड़े तन कपे चाउ होआ ते, मुठियां बंद होंदियां दंदियां वजदियां ने कंबड़ी छिड़दी है। सियाणे कहिंदे ने गंढ खुल गई, नाभि खुल गई। एक आखिरी प्राण जद निकलदा है उस वक्त ये गंढ खुलदी है। एक शब्द की धुन जद कोई इतनी गहराई नाल सुनदा है जितनी ये धुन नाभी तो उठी सी, तो नाभ पूरी खुल जाती है। आखिरी प्राण जब निकलता है नाभी तो तन की मौत हो जाती है। शब्द की धुन जब धुनी नाल चोट करती है, धुनी खुल जाती है, नाभी खुल जाती है, तन ते जिंदा रहता है, मन की मौत हो। मन मरे दात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। ऐसा मनुख फिर जबान नाल वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं करता। क्यों? एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुत जन्म ना आवा शब्द उदे प्राणा चल पैंदा जो व्यापक है। और फिर शब्द दे च जीवंदा, उस शब्द नू वो सुनदा। ऐसे शब्दा नू सुन के जो बार प्रगट कर सके, उन्हों गुरु पीर पैगंबर अवतार कहंदे ने। गुरु नानक ने उस अनुभव नाद नू सुनिया, बार प्रगट कीता। सुनदा कौन है? जिदा मन पूरा सुनदा, एकाग्रता नाल सुनदा, पूर्ण तौर से सुनदा। मन बोलदा है, जबान ना भी बोले मन बोलदा है। अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है, कामनावां ते वासनावां दा विचार जो है प्रवाह चलदा है। मन चुप नहीं करदा। धर्म दी मूल साधना है मन चुप करे कामनावां वासनावां, शांत हो मन, ये विचार शांत हो, निर्विचार अवस्था निरंकार प्रगट होता है। पर किवें मन चुप करे? मन नूं स्रोता बनाइए, सुने शब्द नूं सुने, सौखी खेद नहीं है। जैसे मन स्रोता बनता है, मन मिट जाता है, मिट के नूर हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। साढ़े कोल ओ बोल ने जो परमात्मा दे बोल ने, ईश्वर दे बोल ने, जो गुरु नानक ने सुने। जब अपना मन चुप कर जाए तो ईश्वर दे बोल ब्रह्मंड दे व्यापक ने। जैसे सारा चानना सूरज तो आमदा है, सारा ज्ञान परमात्मा तो आमदा है। ऐसे ज्ञान भरे धुन नु कौन सुनदा है? जिदा मन पूर्ण तौर से चुप कर जाता है, उन्हों संत ते भगत कहंदे ने। सुन के जिहड़ा सुना सकदा है उन्हों अवतार कहंदे ने, गुरु पीर पैगंबर कहंदे ने। पहली दफा जब मुहम्मद दे कंठ तो कुरान दियां आयतां निकलियां, उन्हां दी पत्नी खदीजा जो उम्र दे 15 साल वड्डी सी उन्हां तो, कहन लगी हजरत ए थोड़े बोल नहीं हो सकदे, तुसीं ते अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़, ये बोल थोड़े नहीं हो सकदे। इत्थे काव्य दे च ने, इत्थे गीत दे च ने, इत्थे संगीत दे च ने। परमात्मा दा गीत ओ संगीत दे चाहुंदा है, तरन्नम। पता है मोहम्मद ने की आख्या? खदीजा तू ठीक समझे है, मोहम्मद ते चुप कर गए, पता नहीं खुदा की बोल। गुरु नानक कहंदे हो आपको बोल ना जानदा, मैं नहीं जानदा। फिर इतने बोल की ने ते जैसे मैं आवे खसम की बाणी, मैं चुप कर गया, पता नहीं खसम की पिया बोलदा। जैसे मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। सतगुर की वाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मुंह कढ़ाए। शंके दुबदा नु एक पासे रख के, ये बोल सारे परमात्मा दे ने। इना बोला नु सजदा कीता होया परमात्मा नु सजदा, ईश्वर नु सजदा। सारे बोल परमात्मा दे ने। भावे चौक दे च बैठ के रविदास जुतियां गणदा है, पर उदा मन भी चुप कर गया है। ये भागवत गीता कुरुक्षेत्र दे मैदान दे कृष्ण दे कंठ तो पैदा हुई।
पर सौक दे जुतियां गंढदे होया रवदास दे कंठ तो भी पैदा हो। खड्डी ते बैठ के कपड़ा बुनदे होया कबीर दे कंठ तो भी पैदा होई। जो उस अनुभव नाद नू सुनदे ने ते बाहर प्रगट कर देंदे ने ओ अवतार श्रेणी दे आ जांदे। अवतारां दे बोल ने ते सारी बाणी ब्रह्म नाद है, परमात्मा दा नाद है। हुणे सुन रहे सी पोथी परमेश्वर का स्थान, श्रद्धा नाल कीता होया सजदा ते भगवान नू सजदा है, परमात्मा नू सजदा है। मनाया होया है ओ गुरपुरब, ये उत्साह सतगुर रहमत करन कि साडी ओ अवस्था बनान, मन चुप कर जाए, एकागर हो जाए, इस नाद नू सुने। इको दफा दे सुनदे आई जन्मा जन्मांतरां दे दुख मिट जाणगे, पाप मिट जाणगे। एक दफा दे सुन, एक चित जाए, एक छिन दे आयो, काल पास के बीच ना निर्वाण कीर्तन गावो करते का, नेमक सिमरत जित छूटे। सारियां दी सतगुरदेव जी महाराज ये अवस्था बनान। एक थके हुए शरीर नाल ते थके हुए दिमाग नाल जितनी सेवा मैं कर सकियां प्रवान कर लेनी। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने जो मेहरामत की थी, जो कहण दा उद्दम दिता, जो बोलण दी समर्था दिती, साहिब रहमत करन सुनया होया थोड़ा कबूल होवे, सुनाया होया मेरा कबूल होवे, सुन के थोड़ा मन एकागर होवे, सुना के मेरा मन एकागर होवे, थोड़ा सुनया होया सफल होवे, मेरा सुनाया होया सफल होवे। कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। सारियां दा धन्यवाद करदे होया दास जी फतेह प्रवान करने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।